तारानायक शेखराय जगदाधाराय धाराधर छायाधारक कंधराय गिरजाश्रृंगैक श्रृंगारिणे नद्यशेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे नास्त्रिणे नागैः कंकणिने नगेन गृहने नाथाय शेयन्नतिः वृंदावनेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषित करांबुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य देवेश पांडवपते मम देहि दास्यम् ओम नमः श्री परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीरयस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सम्मेत तं नृसिंहमहं भजे अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु ना येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन मूलोक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री भाव भावेश्वर भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महान। जीवन सर्वस्व परमाराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज, परमादरणीय पूज्य सेवानंद जी महाराज, पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। एकांत शांत वातावरण में भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख विराजमान, एकादश स्कंद में तो जो हमारे महर्षि का छपा हुआ है उसमें तो यह वर्णन है कि भगवान श्री उद्धव जी महाराज का चित्र है, हाथ पकड़ कर बैठे, इतने सन्निकट, केवल शरीर के सन्निकट ही नहीं हृदय के भी सन्निकट, विचारों के सन्निकट, जीवन सरणी के सन्निकट श्री उद्धव जी महाराज हैं। उद्धव जी महाराज भगवान से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। इन प्रश्नों को पढ़ करके सुन करके निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि श्री उद्धव जी महाराज की जो स्थिति है वह है तो ज्ञाननिष्ठ की ही, किंतु वह प्रश्न इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं भगवान श्री कृष्ण जैसा वक्ता फिर मिले न मिले, और लोक कल्याण इससे होगा कि लोग सुनेंगे इसको, समझेंगे इसको, तो निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। अभी किसी साधक ने हमको कहा कि आप कुछ श्लोक पहले से उठाइए, क्योंकि उद्धव के प्रश्न से छूटा था, तो प्रश्न पहले होगा फिर उसका समाधान होगा। तो हमने जो कल श्लोक दो तीन लिए थे उससे कुछ पहले श्लोकों से ही उठा रहा हूँ। ज्ञानम विशुद्धम विपुलम तथैतद् वैराग्य विज्ञानयुतं पुराणम् आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते तद्भक्ति योगं च महद्ब्रह्मज्ञम्। हे विश्वमूर्ते,
और हे विश्वेश्वर, विश्वेश्वर भी बोल रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज और विश्वमूर्ति भी बोल रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जो विश्व दिखाई पड़ रहा है सारा का सारा संसार, ये भगवान ही इस रूप में विराजमान है, भगवान की ही मूर्ति है ये विश्व और भगवान ही इसके ईश्वर भी हैं। अर्थात भगवान ही बने हैं इसे इस रूप में और भगवान ही इसके मालिक भी हैं। हे प्रभो, हे विश्वेश्वर, जो महद पुरुष लोग, महद ब्रह्मज्ञम, जो महद पुरुष हैं ब्रह्मादि, जिसकी सदा खोज में रहते हैं, जिसको खोजते रहते हैं, ढूंढा करते हैं, वह हम आपसे सुनना चाहते हैं। ब्रह्मादि क्या ढूंढते रहते हैं, क्या खोजते रहते हैं? जो ब्रह्मादि खोजते रहते हैं, बड़े बड़े महद पुरुष लोग जिसकी खोज में है, जिसको जानना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, हम आपसे वही सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हो? ज्ञानम विशुद्धम विपुलम। हम विशुद्ध ज्ञान सुनना चाहते हैं। विशुद्ध ज्ञान माने जिस ज्ञान में कुछ मिलावट नहीं है, उसी का नाम विशुद्ध ज्ञान है। इसको भागवत की भाषा में तत्व बोलते हैं। बदंती तत्तत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम। ज्ञान में यदि दूसरा हो जाएगा तो अद्वय ज्ञान नहीं होगा। सच्चाई यह है कि जब तक जानने वाला अलग रहेगा तब तक भी द्वैत रहेगा। केवल हम विशुद्ध ज्ञान के बारे में सुनना चाहते हैं, और विशुद्ध ज्ञान के बारे में ही नहीं, तथैतद वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम। हम वैराग्य के बारे में और विज्ञान युत ज्ञान को विज्ञान के रूप में जानना चाहते हैं। ज्ञान एक अलग वस्तु है, विज्ञान एक अलग वस्तु है। तो ज्ञान भी जानना चाहते हैं और विज्ञान युत ज्ञान को मिलना चाहते, पाना चाहते हैं। पुराणम का ही प्राय यह है कि निश्चित रूप से इसकी चर्चा पहले से हो रही है, बहुत पुरानी चर्चा है, कोई नई चर्चा नहीं है। आपसे हम सुनना चाहते हैं। क्या सुनना चाहते हो? हे विश्वमूर्ते, तद भक्ति योगम, और आपके भक्ति योग के बारे में भी सुनना चाहते हैं। विशुद्ध ज्ञान के बारे में, विज्ञान के बारे में, वैराग्य के बारे में, और आपकी भक्ति योग के बारे में हम सुनना चाहते हैं। मानो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर श्री उद्धव की ओर निहार करके कहा, क्यों जानना चाहते हो? जानने का प्रयोजन क्या है? विशुद्ध ज्ञान को क्यों पाना चाहते हो? विज्ञानवान क्यों बनना चाहते हो? वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? वैराग्यवान क्यों बनना चाहते हो? आप भक्ति योग के बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो ये निश्चित रूप से मैं निवेदन करूं, श्री उद्धव जी महाराज संसार के जितने भक्त हैं उन सभी भक्तों के मुखिया होकर के बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि श्री उद्धव जी महाराज को त्रिताप परेशान कर रहे हैं, वह तप रहे हैं, किंतु निश्चित रूप से जो भाषा है वह ऐसी भाषा है कि हम सब की ओर से मानो जो त्रिताप में तपे हुए लोग हैं उनकी ओर से ये प्रश्न किया जा रहा है। अभी मैं एक जगह कथा कर रहा था तो एक संत कथा सुनने के लिए बैठते थे। एक दिन कोई बात हुई, मैं सुना रहा था कोई प्रवचन में, तो एकांत में उन्होंने आकर के मेरे को कहा,
कहा कि मेरे मन में ये जिज्ञासा तो बहुत दिन से थी, किंतु मैं पूछना नहीं चाहता था, किससे पूछूं। उन्होंने को लगा कि हमको कोई ऐसा विज्ञान विद्वान हमको संत नहीं मिला जिससे मैं पूछता, और आप मेरे से उम्र में छोटे हो। मेरे से बोले, आप मेरे में उम्र में छोटे हो, मैं आपसे उम्र में बहुत बड़ा हूँ, तो आपसे भी पूछने का मन नहीं हो रहा था कि इनसे पूछूंगा तो कहीं ये हमको छोटा न समझ लें। तो हमने कहा ऐसी बात नहीं, किंतु महाराज कहा कि आपने व्यासपीठ से जो जो हमारे प्रश्न थे उन सब प्रश्नों का समाधान कर दिया, और आपने स्वयं ही पूर्व पक्ष उठाया। तो हमने हाथ जोड़ करके हमने कहा, जितने प्रश्न हो सकते हैं मानस में व्यक्ति के, शास्त्रकारों ने उन प्रश्नों को उठाया है, और शास्त्रकारों ने ही उन प्रश्नों को उठाकर उन प्रश्नों का समाधान किया है। वह पूर्व पक्ष खड़ा करते हैं, फिर स्वयं उत्तर पक्ष खड़ा करते हैं, क्योंकि जिस जिस प्रकार के धरातल के लोग होते हैं उस प्रकार के प्रश्नों को शास्त्रकार उठाते हैं और उनका समाधान कर देते हैं। कि यदि इसलिए मैंने उनको कहा कि आपको यदि प्रश्न पूछने में किसी से संशय होता है तो आप हमारे महर्षि के ग्रंथ पढ़ो। आप महर्षि के ग्रंथ पढ़ने लगोगे, आपके जीवन में जितने प्रश्न होंगे सब प्रश्न का समाधान मिलता जाएगा, आपको कहीं पूछना पड़ेगा भी नहीं, आपको कहीं अपने को लघु सिद्ध करना नहीं पड़ेगा, और आप अपने आप महान बन जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो हमसे पूछने लगे, क्या तुमने महाराज जी का संग किया है, तुम उनकी सेवा में रहे हो। हमने कहा, मैंने तो संग भी नहीं किया और मैं उनकी सेवा में भी नहीं रहा, किंतु अब मैं उनकी सेवा में भी हूँ और अब मैं उनके संग में भी हूँ। तो कहने लगे, कैसे सेवा में? तो हमने बताया कि ऐसे सेवा में भी हूँ और संग में इसलिए हूँ कि उनके शास्त्रों का चिंतन करता हूँ, और महर्षि को जानने के लिए, उनका संग करने के लिए, उनके विचारों का संग करने के लिए साहित्य का संग किया जाए। तो हमने कहा, जितने प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ मैं निश्चित रूप से वह उन्हीं के आधार पर दे रहा हूँ, उन्हीं के चिंतन के आधार पर। तो मैं निवेदन ये करना चाहता था कि निश्चित रूप से ये प्रश्न इसलिए उठाए जाते हैं, इस प्रकार की बात कही जाती है इस महान पुरुषों के माध्यम से कि लोगों को पता चले। इसलिए परीक्षित जी महाराज के प्रश्नों को सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, वरियान एसते प्रश्न कृतो लोक हितम नप। तुम्हारा प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि ये श्रेष्ठता इसमें लोक हितम नप, राजन तुमने प्रश्न लोकहित के लिए किया है। तो केवल परीक्षित ने ही लोकहित के लिए प्रश्न नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है श्री उद्धव जी महाराज जैसे महापुरुष लोग भी यह प्रश्न इसलिए करते हैं कि इससे लोकहित हो जाए। वो कह रहे हैं, तापत्रेणाभि हतस्य घोरे। इस संसार में लोग घोर संसार में जी, इस घोर संसार में लोग त्रिताप से दग्ध हो रहे हैं, तीन ताप उसे तपा रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीनों ताप उसको तपा रहे हैं, और वो तीनों तापों में तप रहे हैं संतप्त मानस से। महाराज इस भवसागर में, घोर भवसागर में भवाग्न महाराज, हे ईश, ये तप रहे हैं हम इसमें त्रिन ताप में, कोई आध्यात्मिक ताप में, आदि दैविक ताप में, आदि भौतिक ताप में लोग तप रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। और एक महापुरुष तो कहते थे, काम के ताप में, क्रोध के ताप में, लोभ के ताप में। काम अग्नि है, क्रोध अग्नि है, लोभ अग्नि है, ये तीनों अग्नियां तपा रही हैं जीव को। कोई कामाग्नि में तप रहा है, कामाग्नि में केवल वासना नहीं, कामना की अग्नि में, ये कामना पूरी हो जाए, 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 इसी आग में तपता जा रहा है। अच्छा, एक कामना पूर्ति, दूसरी आग जल जाती है, तीसरी आग जल जाती है, इसमें व्यक्ति तप रहा है। और इस तपे हुए व्यक्ति के लिए जैसे आपको धूप बहुत पड़ रही हो, तेज धूप, और तेज धूप से बचने के लिए क्या चाहिए? छाता चाहिए, किसी वृक्ष की छाया चाहिए, किसी मकान में हो। किंतु यदि चलना भी हो और छाया भी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? छाता ही चाहिए। केवल खड़े होना हो तो वृक्ष की छाया में काम बन जाएगा,
मकान की छाया में कर जाएगा, किंतु गतिवान भी रहना हो तो छाया भी चाहिए। पश्यामि नाक्षरणम तवांघ्रि, महाराज मैं देख रहा हूँ इस संसार में, इस संतप्तमान संसार में यदि कोई छाया है तो केवल आपके चरण युगल चरण कमलों की छाया ही है। जब तक जीव युगल चरण की छाया में नहीं जाएगा, ये तवांघ्री महाराज जो आपके चरण कमल हैं, अंग्री हैं जो आपके, आपके जो चरण कमल हैं दोनों चरण कमल, उसकी छाया चाहिए। अच्छा, इस विशेषता और भी है, कई बार मानो छाता छाया तो देता है किंतु वह आपको शीतलता नहीं देता है। कोई भी छाता शायद कोई बन गए हों, आजकल चाइना वाले तो कुछ भी बनाते हैं, चाइना वाले तो कुछ भी बनाते हैं। अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति ऊंचा करके टोपी लगा रखा था और उसमें छोटा सा पंखा लगा था टोपी में, तो हमने कहा वाजी, तो अब कोई भाई छाता ऐसा बना दिया हो जिसमें पानी की थोड़ी स्थान बना दिया और धीरे धीरे फुहारे भी निकलते हों, वो अलग बात है, किंतु संसार में ऐसा छाता कम देखने को मिलता है। तो आपके चरण कमल की जो छत्र छाया है तवांग्री, ये महाराज जो चरणों की छाया है द्वंदात महाराज, ये छत्र छाया में एक विशेषता और भी है, ये केवल त्रिताप से चरण की कण की छाया बचाती ही नहीं है, अमृता भी वर्षात, ये अमृत की वर्षा भी करती है। आपके चरण कमलों की छत्र छाया केवल त्रिताप से ताप से ही आपको रक्षित नहीं करती है। आप यदि भगवान के, और सचमुच में आप कभी इसका अनुभव कीजिएगा, इसलिए बाबा ने तो हमारे पूज्य सिगुड़िया बाबा जी महाराज ने कहा कि तीन काम रोज करने चाहिए, तीन काम में प्रमाद न हो। एक तो स्वाध्याय में प्रमाद न हो, ध्यान में प्रमाद न हो, और जप में प्रमाद न हो। नित्य जप हो, नित्य स्वाध्याय हो, नित्य ध्यान हो। और महर्षि ने तो एक जगह ऐसा वर्णन किया है चतुश्लोकी भागवत के विषय में ही, प्रभूमिका में कहीं प्रवचन में, कि एक महाराज एक बार उनके कोई पास में ठाकुर साहब थे, उन्होंने पंचम जार्ज के साथ हाथ मिला लिया था, हाथ मिलाकर फोटो खिंचवा कर रखा था, जो भी आते थे तो उनको दिखाते थे वो कि ये देखो हमने पंचम जार्ज के साथ फोटो खिंचाई है, और बड़े प्रसन्न होते थे। तो महर्षि कहते हैं कि यदि ध्यान में रोज अपने इष्ट के साथ हाथ मिला लो, हृदय मिला लो, तो दिन भर आप आनंद में रहोगे। आप अनुभव कर लीजिएगा, मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, प्रातःकाल यदि सही समय से नियम हो जाए, जप हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, ध्यान हो जाए, तो पूरे दिन भर उसके आनंद में रहते हैं, उस अमृत में रहते हैं, नशे में रहते हैं यदि कहें हम तो। अनुभव कई बार करते हैं, अकस्मात अपने आनंद में रहते हैं, कैसी परिस्थिति भी आए, कैसी मनस्थिति भी आए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि सही ढंग से ध्यान न हुआ हो, किसी प्रमाद के कारण या शरीर के स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण या यात्रा के कारण कई बार अव्यवस्थित हो जाते हैं, और यदि ना हुआ हो तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है, छोटी छोटी बातों में उद्विग्न होने लगते हैं, तो कारण क्या है, वो संबंध उससे जुड़ा नहीं। तो निश्चित रूप से भगवान के चरणों का ध्यान हो, चिंतन हो, छत्र छाया, और यह चिंतन हो, इतनी विशेषता है महाराज, आप चिंतन करें कि दोनों चरण कमल भगवान के हमारे मस्तिष्क पर हैं, मस्तिष्क पर हैं। मैं तो कुछ दिन तक एक महापुरुष के कहने के कारण मैंने एक ध्यान का चिंतन करना प्रारंभ किया था। वो महापुरुष कहते थे कि आप थोड़ी देर के लिए चिंतन किया करो कि मैं बलि हूँ और भगवान हमारा सर्वस्व ले लिए हैं, केवल हमारा हमको नहीं नापा है, तो अब भगवान प्रार्थना करने के बाद हमारे मस्तिष्क पर अपना चरण रखे हुए, मस्तिष्क पर चरण, आप कहाँ देखेंगे, इसका बहुत लाभ होगा आपको। हमने कहा क्या लाभ होगा, बोले लाभ सबसे बड़ा होगा कि तुम्हारा अहंकार चला जाएगा, अहंकार को नष्ट करने का ये साधन है। एक महापुरुष ने, एक संत ने हमको कहा, क्योंकि मैंने कहीं कह दिया कि हमको जितना अहंकार से डर लगता है उतना और किसी से डर नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा अहंकार को मिटाने के लिए तुमको युक्ति बताता हूँ, रोज सुबह यह चिंतन किया करो। आज मैं
जब इन श्लोकों का चिंतन कर रहा था तो मुझे लगा कि एक चरण नहीं दोनों चरण का चिंतन करें और यह चिंतन करें कि उससे अमृत भी बरस रहा है, शीतलता भी मिल रही है। केवल ताप निवारक नहीं है, छाता केवल ताप निवारक है, वह ताप को रोक देगा, किंतु भगवान के चरण आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक ताप निवारक तो हैं ही, किंतु अमृत वर्षी भी हैं, रस वर्षी भी हैं। तो कहा कि प्रभो आपके इसमें बहुत दृढ़ता की बात है, उद्धव जैसा विद्वान और उद्धव जैसा भक्त, उद्धव जैसा ज्ञानी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मैं देख रहा हूं कि आपके चरण कमलों को छोड़कर कोई दूसरा साधन नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि हमको दूसरे साधनों की खोज में नहीं, जो महत्वपूर्ण साधन बता गए हैं वही साधन है, दूसरा है ही नहीं संसार में कोई। क्योंकि जहां जितने लोगों के पास जाओगे उतने सब अलग अलग साधन बताने लगेंगे, अलग अलग साधन बताएंगे। तो इसलिए श्री उद्धव जी महाराज को मान करके और भगवान के सन्निकट में मानकर, भगवान के सन्मुख मानकर के ये कह रहे हैं। तो यह निश्चय करना है कि इसके अतिरिक्त कोई त्रिताप का समाप्त करने का साधन नहीं है। हम भगवान के चरण कमलों की छत्र छाया में हैं और ये कह रहे हैं कि प्रभु आप कृपा कीजिए। और कृपा करके कहने का अभिप्राय महाराज कहते एक बात और भी कह रहे हैं, ये दृष्टम जनम संपतितम बिलेस्मिन। ये संसार एक बिल है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि 84 कोस की एक गुफा, 84 कोस की एक गुफा, और उस गुफा में लोग परिक्रमा कर रहे हैं और उस गुफा से निकलने का एक ही दरवाजा है, दूसरा दरवाजा है ही नहीं, एकमात्र दरवाजा एक है। अब लोग जो आंख वाले लोग हैं वो तो अपनी गति से चल रहे हैं, अपने मस्ती से चल रहे हैं, कोई कीर्तन करता चल रहा है, कोई किसी साधन से चल रहा है। हमारे जैसे उसमें एक दो अंधे भी थे, अंधों ने सोचा क्या किया जाए, सबको कहते थे हमको भी साथ ले चलो, हमको भी साथ ले चलो, तो कोई साथ ले चलने का किसी के पास समय नहीं। एक महापुरुष ने कहा उस अंधे को पकड़ करके कि श्रीमान जी तुमको उस दरवाजे से गुफा से निकलने का एक साधन बता रहा हूँ, इस बिल से। क्या साधन है? गुफा की दीवार पर हाथ लगा लो। अब वो दीवार पर लगा कर चल तो रहा था, किंतु जैसे गुफा का दरवाजा आने वाला था, अंधे का दुर्भाग्य कहो, उसकी पीठ में खुजली हुई, और पीठ में खुजली हुई तो खुजलाने लगा और चलता रहा, दरवाजा निकल गया। अब दरवाजा निकल गया तो निश्चित रूप से अब उसको 84 का चक्कर पुनः काटना पड़ेगा कि नहीं? 84 कोस की गुफा में पूरा कांड फिर आएगा दरवाजा। तो महापुरुष लोग कहते हैं ये बिल जो है ना, जिस बिल में हम गिरे हुए हैं इस गुफा में, इससे निकलने का दरवाजा यही है, किंतु ये जो खुजली है ना, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, ये विषय खुजली है, और इस विषय में जीव यदि पड़ जाता है तो ये मनुष्य रूप शरीर रूपी दरवाजा निकल गया। अब फिर उसको चक्कर काटना पड़ेगा, और 84 लाख है, दिन में विचार कर रहा था 84 लाख, एक आध दिन नहीं है, किसी की 10-10 साल आयु है, किसी की 20 साल आयु है, किसी योनि में 50 साल भी है, 1000 वर्ष भी है, कई कई वृक्षों की इतनी आयु है, कुछ पूछो नहीं। अब उन योनियों में चले गए तो 1000 वर्ष की छुट्टी हो गई, 1000 वर्ष तक मुक्त नहीं हो पाएंगे, फिर कभी भगवान की करुणा होगी और मनुष्य शरीर भी ले। मुझे तो कई बार एकांत में लगता है कि अगर ये चूक गए मामला तो फिर गए काम से। इसलिए सब कुछ छोड़ करके एकमात्र दृष्टि अपने मोक्ष में होनी चाहिए, छुटकारा में होना चाहिए, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। ये सारे खेल चल रहे थे, चलते रहेंगे,
न खेल कभी तुम्हारे कारण चल रहा था और न तुम्हारे कारण रुकने वाला कुछ है। ये खेल अपने आप चल रहा है और अपने आप इसका रुकता रहेगा, अपना काम बनाने लायक है। श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, दृष्टम जनम संपतितम विलेस्मिन कालाहीना क्षुद्र सुकोरु तरसम। और गजब की बात यह, इस एक तो बिल में गिर गए और दूसरे सर्प ने पकड़ लिया, किंतु ऐसे वैसे सर्प ने नहीं पकड़ा है, कालाहीना विषधर्म काले सर्प ने, कालाहीना का अभिप्राय एक और भी है, काल रूपी सर्प ने, विषधर सर्प काल रूपी सर्प, इस काल रूपी सर्प ने पकड़ रखा है। और कभी मैंने देखा था एक दृश्य तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा था, फिर अब तो लगता है कि हमारे साथ ही घटना घट रही है, सबके साथ घटना घट रही। एक मेढक को, बहुत बड़ा मेढक था, उसको एक सर्प ने पकड़ रखा था और कुछ कीड़े उड़ रहे थे वहाँ पर प्रकाश के कारण, तो मेढक दूसरे कीड़ों को खाना चाह रहा था, स्वयं काल में मुख में है किंतु वो दूसरे कीड़ों को खाना चाह रहा है तो काल के मुख में और खाना चाह रहा है दूसरे कीड़ों को। ऐसे हम सब हैं तो महाराज काला ही ना, काल के मुख में किंतु क्षुद्र सुखोरु तरसम। ये क्षुद्र जो सुख हैं संसार के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये क्षुद्र इसलिए कहा गया आज तक इनसे किसी का पेट भरा नहीं है, ये संसार में किसी सुख में कोई तृप्ति नहीं है पूर्ण रूप से। हम लोगों की तो आयु कम है, हम लोगों की इंद्रियों का सामर्थ्य कम है, हम तो जब पुराण आदि पढ़ते हैं कि इतने इतने बड़े आयु वाले लोग और इतने इतने, अब अपने राम तो एक ही मुख वाले हैं, रावण तो 10 मुख वाला था, उसको 10 मुख से खा सकता था और 20 कान से सुन सकता था और 20 आँखों से देख सकता था। आप जरा विचार करो, किंतु क्या हुआ, तृप्त हो पाया? जब वो तृप्त नहीं हो पाया, और भी शास्त्रों में तो और भी शक्तिशाली लोगों का वर्णन है, ऐसे ऐसे इंद्रियों वालों का वर्णन है, कुछ पूछो नहीं, किंतु तब भी संसार में कोई आज तक तृप्त हुआ नहीं। और कारण क्या है? ये क्षुद्र सुखोरु तरसम, महाराज इसमें कोई भी सुख नहीं है। समुद्र इनम कृपया वर्गैर बचो विरासिंच महानुभाव। उद्धव जी महाराज कहते हैं कि हे महानुभाव, महानुभाव का अभिप्राय क्या है? महान परमात्मा जिसके अनुभव में है, ध्यान रखना। वैसे तो बुद्धिमान लोग इस संसार का अनुभव करके इससे वैराग्यशाली हो जाते हैं, और जो ना समझ लोग हैं वो बार बार धोखा खाने पर, बार बार दुखी होने के बाद भी इससे उपराम नहीं होते। किंतु जिसको ये अनुभव हो गया है, महानुभाव जिसको अनुभव हो गया है, ऐसे आप हे प्रभो कृपा करके आप हमको अपवर्ग, अपवर्ग माने मोक्ष, अपवर्जनम वर्ग, पा देखो हमारे यहाँ हम लोग पढ़े थे कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये 5 वर्ग हैं। वर्ग में कवर्ग में का कह चाचा जाजा, ये 1 5 5 अक्षर हैं। तो अपवर्ग का अर्थ है जिसमें पाप न हो पुण्य न हो, पासे पाप पुण्य न हो, पा के बाद फा जिसमें फल न हो, बा माने बंधन न हो, और भा माने भोग न हो, और मा माने मोक्ष न हो, जिसमें ये 5 चीज़ें नहीं हैं, 5ों का अभाव है, ऐसे अपवर्ग प्रदान कीजिए। और हे प्रभो अपनी जो वाणी है ना, बचो भीर आसिंच, अपनी वाणी से हमारा सिंचन कीजिए, अपनी वाणी से हमको ये बताइए
हम सुनना चाहते हैं मोक्ष के बारे में, हम सुनना चाहते हैं भक्ति के बारे में, हम सुनना चाहते हैं ज्ञान विज्ञान के बारे में, हम सुनना चाहते हैं वैराग्य के बारे में। ये हम आपके मुखारविंद से सुनना चाहते हैं, और सुनने का कारण ये है कि हम अपवर्ग चाहते हैं, इनसे बंधन मुक्ति संसार से चाहते हैं, क्योंकि संसार बिल में हम गिरे हुए हैं और काला अहिं से डसे हुए हैं और क्षुद्र विषयों के जंजाल में लोलुपता में भटक रहे हैं। आप कृपा करके हमको कहिए। आज हम पढ़ रहे थे महर्षि की बात, मुझे कितनी अच्छी लगी। भगवान को कभी अभिमान नहीं होता है, और जीव अभिमान से भरा होता है। भगवान को अभिमान क्यों नहीं होगा? वह सर्व ऐश्वर्य संपन्न है ये भी, और अभिमान करेंगे किस बात का? तो भगवान को अभिमान नहीं है। ये जो अभिमानी लोग होते हैं ना, ये दूसरों की बात भी अपनी बना के बोलते हैं। हम कई लोगों को जानते हैं जो महर्षि की बात बोलते हैं, किंतु महर्षि का नाम कभी नहीं लेते। उनको लगता है कि महापुरुष का नाम लेंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। ये अभिमान का परिचय है। अब भगवान जो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, आप जरा कभी विचार करना। महाराज इथ मेतत पुरा राजा भीष्मम धर्ममृतांबरम अजात शत्रु पप्रक्ष सर्वेशाम नो अनुशुण्वताम। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुना रहा हूं। क्या सुना रहे हो? जिस सभा में बड़े बड़े महात्मा थे, जिस सभा में व्यास थे, पराशर थे, पुंडरीक थे, चवन थे, गालो थे, भृगु थे, मार्कंडे थे, श्री परशुराम जी महाराज थे, और अपने शिष्यों को लेकर थे उस सभा में। क्योंकि न अनुसृण्वताम, मैं भी था वहां। तो अजात शत्रु श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने, श्री युधिष्ठिर जी महाराज का नाम अजात शत्रु के रूप में है। अजात शत्रु उसे कहते हैं जिसका शत्रु पैदा ही नहीं होता है। तो आप लोग कहोगे कि युधिष्ठिर से तो बड़े लोग दुश्मनी मानते थे, दुर्योधन तो मानते ही था, किंतु ध्यान रखना युधिष्ठिर जी महाराज किसी से दुश्मनी नहीं मानते थे। मैं एक दिन महाभारत पढ़ते पढ़ते विवल हो रहा था कि इतने इतने दुष्कर्म किए उसने। कल मैं सुन रहा था कि जहाँ लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया गया, उस स्थान अभी है, आज से 54 साल पहले उस पर मुसलमान वक्त बोर्ड ने महाराज इनके कब्जा कर रखा था। कल हिंदुओं के पक्ष में उसका जजमेंट आया और कहा कि हिंदुओं का स्थान है, उसमें अवशेष भी मिले, इनको दिया जाए। तो जैसे उसका मैंने श्रवण किया, तुरंत हमारी दृष्टि गई, चित्त में आया कि पूरा का पूरा जलाने का प्रयास और पूरे परिवार को जलाने का प्रयास, उसके बाद निकलने के बाद भी उनके चित्त में किसी से दुश्मनी नहीं आई। कैसा चित्त रहा होगा? यह है धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उनकी अजात शत्रुता की, और जिसको अजात शत्रु भगवान कह रहे हैं, भगवान प्रमाण दे रहे हैं, अजात शत्रु पप्रक्ष, उस सभा में जो अजात शत्रु युधिष्ठिर जी महाराज हैं, उन्होंने पूछा और जो उत्तर उनको मिला है, भीष्मम धर्मव्रताम वरम, ये भीष्म जी महाराज भी धर्मव्रताम वरम, धर्म को मानने वाले, धर्म को धारण करने वालों में श्रेष्ठ, ऐसा जिसने अपना पूरा जीवन धर्म में लगा दिया हो। पहले की बात है, उस समय जो पूछा था और श्री भीष्म पितामह ने जो उसका उत्तर दिया था, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की
एक अपनी शैली है। यहाँ कोई बड़ी से बड़ी बात भी आप एकादश स्कंद के प्रारंभ में देखेंगे, जो नारद भक्ति सूत्र के रचयिता हैं, नारद पांचरात्र के जो रचयिता हैं, भक्ति के स्वयं आचार्य हैं, उनसे जब वसुदेव जी महाराज ने पूछा कि भागवत धर्म किसे कहते हैं, तो स्वयं नहीं बताया भागवत धर्म कि इसका नाम भागवत धर्म है। वो कहते हैं निमि राजा के यहाँ ज्ञान सत्र में नौ योगेश्वर आए थे और नौ योगेश्वरों में श्री कवि जी ने जो भागवत धर्म सुनाया था वो हम तुम्हें सुना रहे हैं। ये परंपरा है कि हमको ये बात वहाँ से सुनने को मिली। तो ये कह रहे हैं कि जो बात हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये बात हमको श्री युधिष्ठिर जी महाराज के प्रश्न पूछने पर जो प्राप्त हुई वही तुम्हें सुना रहा हूं। निवृत्ते भारते युद्धे सृहन निधन व्यूहल। महाभारत युद्ध पूरा हुआ और महाभारत में वर्णन है कि इन सब के लिए दिव्य भवन बन गए। युधिष्ठिर के लिए अलग भवन था, भीम के लिए अलग भवन था, नकुल सहदेव के लिए अलग भवन था, अर्जुन के लिए अलग भवन था। सबको सुविधा संपन्न होने के बाद भी इनकी जब दृष्टि गई कि उनके इस युद्ध में सुहृद कितने मारे गए, कौन कौन चला गया, तो सबसे पहले दृष्टि उनकी गुरु द्रोणाचार्य पर गई कि जिन्होंने हमको पढ़ाया वो चले गए, हम ही ने मारा उनको, मरवाया। फिर लगा कि भीष्म पितामह जैसे महारथी, इतने बड़े महारथी जिनकी गोद में खेले हम, और ये तुच्छ राज्य की प्राप्ति के लिए हमने उनको भी मरवा दिया। सब उनकी दृष्टि में आने लगे। और इतना ही नहीं, एक जगह तो मैं पढ़ रहा था कि जब कभी वो गुप्त रूप से, और राजा का कर्तव्य भी है कि प्रजा के बीच में गुप्त रूप से भी जाना चाहिए, नहीं तो चमचे लोग तो दिल्ली सरोवा जगदी सरोवा की सूचना ही देते हैं कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, तो वो तो चमचे हैं। तो राजा के पास सही सूचना मिल नहीं पाती। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि राम जी भी गुप्त रूप से विचरण कर रहे थे भेष बदल करके, तो राजा लोग जाते थे भेष बदल करके, तो ये भी भेष बदल कर गए हुए थे। तो प्रजा के बीच में चर्चा चलती थी कि युधिष्ठिर राजा को देखो क्या सूझी कि उसने हमारे बेटे को मरवा दिया, हमारा पति मारा गया, हमारा भाई मारा गया, और सबके पीछे ये केवल इसकी राजलिप्सा थी। लाखों करोड़ों लोग मारे गए। हमने देखा, हमारा एक बात कई लोगों से सुनी जाए, अनुभव करता हूं, एक आध व्यक्ति कहे ना कि ये बात गलत या ऐसा ऐसा है, ठीक है, जब एक ही बात कई लोग कहने लगते हैं तो भ्रांति हो जाती कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। हमने बचपन में सुना था कि कुछ ठग थे, ठग तो एक व्यक्ति बकरा खरीद कर लाया, तो ठगों ने क्या किया, पहले वाले ने कहा ये बकरा कितने का लाए हो, उसने कहा 500 रुपए का, सस्ते का जवाना। अरे बोले तो बकरा ही नहीं, ये तो कुत्ता है, और ये तो 100 रुपए का कोई नहीं लेगा। दूसरे थोड़ा सोचा कि ये तो पागल ऐसे बोल रहा होगा। 2-4 किलोमीटर चलने के बाद वही बात दूसरे ठग ने कही, और तीसरे ठग ने तो गजब कर दिया, बोले जिसका है उसको मुझे पता है, इसके काटने से तो कई लोग पागल हो गए। वो बेचारा जिसका बकरा ही था छोड़ के भाग गया, भाग ही गया, छोड़ने क्या, वो छोड़ के भाग गया। उसको लगा कि भाई एक बात होती तो ठीक है, ये तीन तीन चार चार लोग एक जैसी बात कह रहे हैं, तो हो ना हो ये सच्ची बात हो और कहीं बकरा काट ले हमको ये। तो एक ही बात, इसलिए ये राजनीति में महाराज हम देखते हैं, अभी यूट्यूब आदि देखते रहते, कभी देखते हैं तो हमारे कई शंकराचार्य भगवान भी एक ही बात को कई जगह लोगों से कहलवाते हैं। तो
एक ही बात जब कई जगह से लोग सुनते हैं ना, हम इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो असली नकली हो जाता है, नकली असली हो जाता है, क्योंकि बहुत कानों में जो बात जाती है, अब जो बिल्कुल जानकार नहीं शास्त्र के, ना परंपरा के जानकार हैं, उनको लगता है कि देखो ये भी कह रहे थे, वो भी कह रहे थे, वो वकील भी कह रहा था, वो जज भी कह रहा था, वो अमुक कह रहा था, और सारा योजनाबद्ध मामला है। तो जब इन्होंने कई लोगों से ये बात सुनी तो हमारा सुरहन निधन विह्वला एक दिन विह्वल हो गए, और विह्वल होकर के इतने दुखी हुए, और दुखित होकर के सोचा क्या किया जाए। महाभारत में तो वर्णन है कि डिप्रेशन, मोह युक्त हो गए, विषाद युक्त हो गए, और इतना विशद विषाद हुआ कि वेदव्यास जी महाराज ने भी समझाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया। मैं सोच रहा था ऐसा भी विषाद होता है कि गुरुजन भी कहें तब भी समझ में ना आए, और ये कोई महापुरुष सामान्य महापुरुष नहीं है, इनके चमत्कारों को भी युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा है, कृष्ण के चमत्कार देखे हैं, और हमारे श्री वेदव्यास जी महाराज का चमत्कार देखा है कि एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी दिव्य दृष्टि दे दी कि धृतराष्ट्र को पूरी गीता सुना रहा है। ये दिव्य दृष्टि दी है। वेदव्यास जी महाराज के इस परिवार में कई चमत्कार हैं, किंतु उसके बाद भी उनका ये मरा शोक मोह दूर नहीं हुआ। श्रुत्वा धर्मान बहुन यश्चान आत्मोक्ष धर्मान पृक्षतः, पहले उन्होंने बहुत सारे धर्मों के बारे में पूछा है, दान धर्म, राज धर्म, भगवत धर्म, स्त्री धर्म। इसलिए कह रहे हैं श्रुत्वा धर्मान बहुन, बहुन बहुत सारे धर्मों के बारे में उन्होंने पूछा, और उसके बाद उन्होंने मोक्ष धर्म के बारे में पूछा है, और जो मोक्ष धर्म के बारे में उन्होंने पूछा, और तान अहम ते विदिष्यामी देवव्रत मुखाच्युतान, जो देवव्रत हैं श्री भीष्म पितामह जी महाराज, उनके मुख से जो मोक्ष धर्म के बारे में चर्चा की गई, जिसमें ज्ञान वैराग्य विज्ञान श्रद्धा भक्ति उव्रत, जिसमें ज्ञान वैराग्य की चर्चा है, विज्ञान की चर्चा है, श्रद्धा की चर्चा है, और भक्ति की चर्चा है, वही मैं आपको सुनाऊंगा। ये कह करके भगवान महाराज श्री उद्धव जी महाराज को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ज्ञान की चर्चा करते हैं, फिर विज्ञान की चर्चा करते हैं, फिर श्रद्धा की चर्चा करते हैं, फिर भक्ति की चर्चा करते हैं। तो एक क्रम से तो जो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान के विषय में चर्चा की, तो मैंने कहा वो महापुरुष जो हमारे एक मित्र ही हैं, उन्होंने कहा कि आपने बहुत मुख्य विषय छोड़ा है अपना, और मुख्य विषय छोड़ा है, तो हमने कहा हमको किसी ने कह दिया कि आपने कह दिया, बोले कह दिया हो तब भी आपके विचार के लिए बहुत अच्छा है, ज्ञान विज्ञान तो अपना मुख्य विषय है, एक नहीं कई बार विचार करो, कई बार चिंतन करो। तो उनकी कृपा से फिर मैंने आज सारे पीछे से श्लोक देखे, और देख करके कल से ये चर्चा जो ज्ञान की भगवान करने वाले हैं, इनको नाम लेकर श्री भीष्म पितामह जी महाराज का, वह चर्चा हम क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की, श्री राधा गोपाल भगवान की, श्री गिरधर गोपाल भगवान, जय जय श्री राधे।